और नतीजों से ठीक पहले कहां पर पोजीशन लेनी है, सनी और शिल्पा हमें बताएंगे। शिल्पा जी बताइए आज का स्टॉक। जी हर्षा जी, मेरा अभी के लिए जो व्यू रहेगा फॉर इलेक्शन, मुझे लगता है टाटा स्टील पे आप ध्यान दे सकते हैं। मेटल्स एज ओवरऑल भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हमने देखा हुआ है, और इस स्टॉक ने अभी थोड़ा डिक्लाइन जो लिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही परफेक्ट यू नो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अभी भी बाय कर सकते हैं, ऑन डिक्लाइन टूवर्ड्स 158 भी आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू, आप 148 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है यहाँ पे 185 से लेके 200 तक के लेवल्स आपको इवेंचुअली टाटा स्टील में आते हुए दिखेंगे। सनी आपकी पिक क्या रहेगी? या हर्षदा जी, मेरा पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 254 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 300 का, विच इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 months। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए ईपीसी और कंसल्टेंसी का काम करती है। हालांकि क्वार्टर फोर के नतीजों में हमने देखा था कि जो ऑर्डर इंफ्लो है वो थोड़ा कम हुआ था। जो एनुअल ऑर्डर इंफ्लो पे एक्सपेक्टेशन थी 4,500 से 5,000 करोड़ की, उसके सामने 3,500 करोड़ की ऑर्डर इंफ्लो आई थी। बट हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर का जो इंफ्लो है वो स्पिल ओवर हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, और जब जून क्वार्टर के नतीजे देखेंगे इसमें काफी बड़ी ऑर्डर इंफ्लो आते हुए दिखेगी। और एट द सेम टाइम जिस तरह से ऑयल एंड गैस क्षेत्र में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में केपेक्स हो रहा है, मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस का प्रॉक्सी प्ले है इंजीनियर्स इंडिया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो इंजीनियर्स इंडिया पर आपकी नजरें और ऑफ कोर्स टाटा स्टील एक अपॉर्चुनिटी। चलिए अब रुख करते हैं, आपकी जो मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है, मुनाफा यहाँ पर पहला सौदा में उतरेंगे और आपके लिए आज की ओपनिंग एनालाइज करेंगे। ये है पहला सौदा सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। आप देख रहे हैं पहला सौदा सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो।